नए साल में एटीएम का इस्तेमाल करना महंगा होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने सभी बैंकों को 1 जनवरी 2022 से एटीएम ट्रांजैक्शन के चार्जेस बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब आपके एटीएम पर जितने फ्री ट्रांजैक्शंस की सुविधा दी गई है उससे अधिक इस्तेमाल करने पर पहले की तुलना में बैंक को अधिक पैसे देने होंगे। रिजर्व बैंक के नए नोटिफिकेशन के अनुसार फ्री ट्रांजैक्शन की मंथली लिमिट के बाद बैंक ग्राहकों को अब अधिक पैसे देने होंगे। अभी यह हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए की दर से वसूला जाता है। 1 जनवरी 2022 से यह बढ़कर प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपए हो जाएगा। यह फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। रिजर्व बैंक ने यह भी साफ साफ कहा है कि अगर कोई टैक्स लागू होता है तो वह इस चार्ज से अलग होगा। यानी अभी तक 20 रुपए चार्ज के अलावा टैक्स लगता था, अब 21 रुपए का चार्ज और उस पर लागू टैक्स वसूला जाएगा। बैंक ग्राहकों को हर महीने अपने बैंक के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन फ्री में करने दिया जाता था। अन्य बैंकों से फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के शहर में रह रहे हैं। मेट्रो सिटीज में रहने वाले बैंक ग्राहक अन्य बैंक के एटीएम से हर महीने 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अन्य शहरों के ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से भी हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दरअसल बैंक ग्राहकों को दी जाने वाली फ्री लिमिट में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी गिनती की जाती है। यानी अगर आप एटीएम से बैलेंस चेक करते हैं या मिनी स्टेटमेंट देखते हैं तो इससे भी फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट कम होगी। एटीएम में जाके कार्ड का पिन बदलना भी ट्रांजैक्शन में गिना जाता है। हालांकि कुछ बैंक अपने ग्राहकों को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर चार्ज से छूट प्रदान करते हैं।